दोस्तों आज की ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका भी बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और आप सीखना चाहते हैं किस तरीके से आप पीएनबी एम पासबुक में अपना बैंक स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज की इस कम्प्लीट वीडियो में आपको हम कम्प्लीट जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से आप घर बैठे ही अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने से पहले आपको बताना चाहेंगे पीएनबी एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता तो उसे क्लिक करके आप पहले से अकाउंट बना लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए करना क्या होता है बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए। जो आपका पीएनबी का जो एम पासबुक मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में, उसको आपको ओपन करना होता है। जब ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। ध्यान दीजिए यहाँ आपको लिखा आएगा एम पासबुक और एम पिन, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना एम पिन डालना होता है, ठीक है। पहले मैं अपना एम पिन डाल देता हूँ और फिर आप अपना एम पिन डाल दीजिएगा और मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना एम पिन डाल दिया है। अब सिंपल नीचे लिखा हुआ है प्रोसेस, आप दिखा रहे हैं लिखा है प्रोसेस। सिंपल मैं प्रोसेस पे क्लिक करूंगा। जब प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो प्लीज वेट लिखा आएगा और आपके सामने आपका जो भी बैंक होगा, सेविंग होगा, करंट बैंक होगा, वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो वेट करेंगे यहाँ अपन। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो अकाउंट है स्टेटमेंट है वो आ चुका है। यहाँ पे सेविंग लिखा आ रहा है क्योंकि मेरा सेविंग अकाउंट है। अगर आपका करंट अकाउंट होगा तो करंट देखने को मिलेगा। आपको सिंपल से क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिए आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। यहाँ लिखा जाएगा लास्ट ट्रांजेक्शन 10 ट्रांजेक्शन और यहाँ पर लिखा जाएगा प्लीज सेलेक्ट डेट, मतलब जिस डेट से आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं वो डेट आपको सेलेक्ट करना होती है। 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जो भी आप निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख पाएंगे लिखा है फॉर्म, तो मान लेते हैं अपन 1 अक्टूबर को सिलेक्ट करते हैं। 1 अक्टूबर से भैया मैं 30 अक्टूबर 2021 तक का निकालना चाहता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, ये ऑप्शन देखने को मिलता है ये वाला। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो प्लीज वेट लिखा आएगा। यहाँ आप देख पाएंगे आपको जो भी स्टेटमेंट है वो पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब सिंपल आपको इसको डाउनलोड करने के लिए ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ आप देख पाएंगे आपको एक डाउनलोड का बटन देखने को मिलता है और यहाँ पे आप देख पाएंगे मेल का बटन देखने को मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो स्टेटमेंट है वो आपकी मेल आईडी पे सेंड कर दिया जाता है, जो आपकी बैंक आईडी रजिस्टर्ड है बैंक में। सेकंड यहाँ आप देख पाएंगे डाउनलोड, और इसको आप क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आते हैं सिलेक्ट, तो आपको जो भी आपके न्यूएस्ट स्टेटमेंट वो आपको पहले चाहिए या फिर ओल्ड स्टेटमेंट पहले चाहिए, मतलब कि जैसे आज डेट है 30, तो आपको आज का पहले चाहिए कि आज का सबसे लास्ट चाहिए, तो इस तरीके से सेटिंग करना पड़ती है। तो यहाँ मैं बिल्कुल न्यूएस्ट पर क्लिक करके इसको कर देता हूँ और यहाँ आपको अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। अलाउ करने के बाद प्लीज वेट का ऑप्शन आएगा, तो आप देख पाएंगे जो आपका बैंक स्टेटमेंट है आप देख पाएंगे यूर स्टेटमेंट इज डाउनलोड है ना, तो आपका जो सेव हो चुका है और जहाँ पे जो सेव हुआ है आपके मतलब जो मोबाइल में है ना डाउनलोड वाला फोल्डर उसमें सेव हो चुका है। अब सिंपल आपको यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो स्टेटमेंट है अगर आप अपने मोबाइल में खोलेंगे तो भैया आपका मोबाइल में खुल जाएगा। अगर इसको आप कहीं किसी को सेंड करते हैं तो उसके मोबाइल में खोलने के लिए आपको उस फाइल में जो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड में आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होता है। इसमें लिखा हुआ है प्लीज यूज यूर अकाउंट नंबर इज द पासवर्ड। अगर जैसे मान लो स्टेटमेंट अगर खोल रहे हैं आप पीडीएफ फाइल को और वो कोई पासवर्ड मांग रहा है तो आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होता है, उस पर उसको आप ओपन कर सकते हैं। सिंपल आपको इसको ओपन नाउ क्लिक करना होता है। आप देख सकते हैं ये पूरा डाउनलोड हो चुका है, आपका स्टेटमेंट पीडीएफ में खुल चुका है। इसको चाहे तो आप व्हाट्सअप वगैरह पर शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसको देखने की बात करते हैं सिंपल आइए देखा जाते हैं, और जो आपको मोबाइल का फाइल मैनेजर होता है, फाइल मैनेजर देखते हैं अपना फाइल मैनेजर देख लेते हैं कहाँ पे फाइल मैनेजर, एक मिनट जाइए। और दोस्तों जो आपको मोबाइल का फाइल मैनेजर होता है उस पर अगर आप आते हैं तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड, अगर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल यहाँ पे पहले नंबर पे देखने को मिल जाता है डाउनलोड वाले फोल्डर में। चाहें तो आप डॉक्यूमेंट में क्लिक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आपके में दोनों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको स्टोरेज में आना होता है और जहाँ पे आपका डाउनलोड वाला फोल्डर है उस फोल्डर देखना होता है कहाँ पे पड़ा हुआ है। उस फोल्डर को खोलने के बाद आपका जो स्टेटमेंट है आप देख लेंगे कि देख सकते हैं लिखा चुका है कि देखिए ये सेव हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने एम पासबुक में से अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।